नाइन्थ में समकालीन भारत भाग फर्स्ट है, इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हमने कल के वीडियो में पढ़ा उत्तरी हिमालय। दूसरा बिंदु इसमें आता है भारतीय भौतिक विभागों में उत्तरी मैदान। उत्तरी जो मैदान है हमारा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र और इनकी जो सहायक नदियाँ होती है उनसे मिलकर के बना हुआ है। इसका जो विस्तार है वो 7,00,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी लंबाई 2,400 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई जो है वो 240 से 300 किलोमीटर के मध्य है। उत्तरी मैदान सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पर जलवायु अच्छी है, यहाँ पर पानी और पर्याप्त मात्रा में, यहाँ की कृषि दृष्टि से उपजाऊ मैदान है, इसलिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तरी मैदान के अंतर्गत रहती है। और नदियों को बहुत सी धाराओं में क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ बहती हैं और वो नदियाँ कभी धीरे बहती है कभी तेज बहती है और कई बार गादी उसमें मिल जाती है जिसके कारण यह नदियाँ बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है, इसी को मित्रिकाएँ कहा जाता है। इस उत्तरी मैदान को 3 उपवर्गों में बांटा गया है और नदियाँ शिवालिक की ढाल पर, क्योंकि जो नदियाँ हैं वो धीरे धीरे बहती हुई जब ऊपर से नीचे आती है तो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं उनकी ढाल पर आने के बाद में 8 से 16 किलोमीटर की एक पट्टिका में गुटिका का कार्य करती है और उसी को निक्षेपण कहा जाता है और इसी को मामा कहते हैं। नम तथा दलदली क्षेत्र जो होता है वहाँ पर जब गाद वगैरह हो जाती है और वहाँ पर मिट्टी ऐसी नमी प्राप्त कर लेती है जिसके कारण ऐसे क्षेत्र को तराई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मिट्टी में कई बार चूना ऐसा मिला हुआ होता है कि जिसको जब मिट्टी को हम देखते हैं तो कंकड़ पत्थर जैसी दिखाई देती है और स्थानीय भाषा में इस निषेप या चूनेदार निषेप जो पाए जाते हैं उसी को स्थानीय भाषा में कंकड़ के नाम से जाना जाता है। बाढ़ का पानी जिन क्षेत्रों में पहुंच जाता है, क्योंकि ये हम सबको पता है कि जब नदियां बहती है तो बाढ़ भी आती है और बाढ़ आने पर बाढ़ का पानी जिन क्षेत्रों में पहुंच जाता है और जिन क्षेत्रों को सिंचित करता है और ऐसे क्षेत्र जो मिट्टी के योग्य हो जाते हैं ऐसे क्षेत्रों को खादर कहा जाता है और जहाँ पर बाढ़ का पानी उन मैदानों से ऊपरी जो सतह होती है भाग होते हैं वहाँ पर नहीं पहुँच पाता है ऐसे स्थानों को बांगर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक दो बात इसमें और बात बताई है कि गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच में है। यह जो राज्य है दिल्ली है हरियाणा है उत्तर प्रदेश है बिहार है झारखंड है या कुछ भाग पश्चिमी बंगाल में भी फैले हुए हैं। इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है इन क्षेत्रों को भी सिंचित करता हुआ असम तक पहुंच जाता है। इसके अलावा हमारा उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा जो भाग है ये हमारी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसके द्वारा बना हुआ है और यहाँ पर भारतीय अत्यधिक पैदावार है वो भी पैदा होती है, इसलिए इस क्षेत्र को सघन क्षेत्र के अंतर्गत जाना जाता है और जनसंख्या की दृष्टि से पैदावार की दृष्टि से या अन्य दृष्टि से भी इस क्षेत्र को बहुत ही अनुकूलतम माना जाता है। आपको एक प्रश्न करना है उत्तरी मैदान पर 10 पंक्तियों की एक टिप्पणी लिखिए। उत्तरी मैदान के बारे में 10 पंक्तियों की एक टिप्पणी लिखिए। धन्यवाद और कलम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठान।